जी मैं साहब की कहोगे 1 जुलाई तो 300 यूनिट मुफ्त देने की जो गलत की गई सी हुण पूरी होएगी ते नाल ही अज एक होर वड्डा ऐलान हो सकता किदां देखदे हो? देखो गल तो है कि पहली तो गल है कि 5 महीने लेट ऐलान जी है ये कारवाई हो रही है जिड़ी के वादा जो केजरीवाल साहब का भी भगवंत मान जी का भी यह कि बनता सारी पहली शाही के नाल गरंटी जी पूरी की जाएगी। एक तो 5 महीने लेट क्यों की गई है, दूजा इन्हों फिर क्लीयर करना चाहिए है कि जे 301 यूनिट हो गई तो की सारा बिल लोगों पे करना पेगा कि नहीं पे करना पेगा। एक जी कुछ अखबारों के कल दिन खबर लग रही है कि जे ट्यूबलों वास्ते फ्री बिजली हैगी है वो कुल सैक्शन भी कट्टी जा रही है, अगर वह किया जाएगा तो मैं समझदा फिर बहुत वाला धक्का जोड़ा है पंजाब की किसानी के नाल जोड़ा वो होगा। यानी कि तुहानू लगता है कि किसानों के नाल एक्सचेंज किया जाएगा इस चीज़ नूं जिथे दूजे पासे किसानों ते बोझ पएगा उत्थे ही आम व्यक्ति नूं कितने ना कितने राहत मिलेगी? नहीं देखो गल है कि उही आम व्यक्ति भी उही है, कोई नवा नहीं किसान, कोई बहुत वड्डा कोई अमीर बंदा नहीं है, जे उहनूं तुसीं घर दे 300 यूनिट जिहड़ी है माफ करके ते खेतां दे विच उहदों 4 गुणा उहदे ते बोझ पा देना ते उहदे नाल की फायदा होया? लेकिन अगर इस तरह कर दी है तो मैं समझदा इस तो वड्डा झक्का जिहड़ा किसानी नाल आ इतिहास जो पाए जाते हैं करोड़ों रुपए का एक दिन का खर्चा होता है, इस करके पंजाब के कर्जे का किन्नू फिक्र है? आ जी एक महीने प्राप्तियां की एडवरटाइजमेंट है अज की एक दिन की, इन्होंने पूछो कि एक दिन का ही जो पूरे पूरे सफे का जोड़ा खर्चा है सारिया अखबारों का ये किन्ने करोड़ है? और प्राप्तियां जो तुम पढ़ोगे तो तुम हासा होंगे कि प्राप्ति है कि एक महीने के हाँ कैबिनेट तो जी है वो ये सरकार की जी पूरी नहीं हुई, जो सब तो वड्डा काम होंगे कि हाले एक महीने के कैबिनेट फॉर्मेशन भी जी है वो पूरी नहीं हुई, ला एंड आर्डर जी स्टेट भी है वो सब तो माड़ा हाल जो है इस वे तो समझता कि वो जोड़ा है पंजाब का है, तो अफसर साहबान जाके दिल्ली तो ऑर्डर लेंगे उसे जाके डिस्कस करते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री के नाल, जे गवर्नर साहब है पंजाब के वो ला एंड आर्डर संभालने वास्ते टूर से निकले हुए हैं, तो मुख्यमंत्री साहब जोड़े है उन्होंने पता नहीं लग रहा, राज्यसभा की सीटों के जो धक्का पंजाब के नाल होया वो भी सारे पंजाब के लोगों को पता, इस करके सानू तो बड़ी हैरानी होंगी है कि जी है कि प्राप्ति कि तुम कली कली प्राप्ति पढ़ के देख लो कि जोड़ा है प्राइवेट स्कूल इंस्ट्रक्टर नॉट टू इनक्रीज फीस की है, जी मैं 2016 रेगुलेटरी अथॉरिटी बना के एक्ट बनाया उसकी कापी जी है वो दोबारा स्कूलों को भेजी गई है, जरा 2016 के मैं विधानसभा के एक्ट पास कराया कापी नवे सिरे तो स्कूलों को भेजी गई है कि इस एक्ट से जरा 2016 के बनया धारा 5 के मुताबिक जी है इस तरीके कार्रवाई की जाए कि किसी स्कूल के किताबा जी नहीं कहा जाएगा किसी कितों खरीदनिया वो जो हदायत उस एक्ट के 2016 वाले उसकी कापी जी है वो महकमे ने भेजी है, मैं धन्यवादी हाँ जवाब दिता जाएगा मुख्यमंत्री पंजाब भगवंत मान का कहना कि अज उस चीज का जवाब दिता जाएगा, नहीं उस चीज का की जवाब देंगे दसो की जवाब देंगे उस चीज का कि किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के कई इंटरेस्ट जी दिल्ली करते हैं, ਸਾਡਾ ਐਸ ਵੀ ਐਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਲੈਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲੈਸ਼ ਕਰਦਾ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟੇਟਾਂ ਦਾ ਆਪੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। चीमा साहब बने रहो, तुसी भी साडे नाल कांग्रेस तो सबका विधायक
कुलदीप सिंह वैद भी मौजूद ने, गलबात कर लेने। वैद साहब जी मीडिया का स्वागत है, तुहाडा की कहोगे आम आदमी पार्टी हुण एक तो बाद जिथे एक फैसले पूरे करन दा दावा कर रही सी उत्थे हुण 1 जुलाई तो 300 यूनिट बिजली माफ करन दी गलबात की जा रही है। देखो ये जी ड्रामेबाजी आम आदमी पार्टी की यह बड़ी जल्दी एक्सपोज हो गई है। मैं कहना जरूर देना चाहिए 300 यूनिट बिजली के फ्री असी भी दिते सीगे, पर यह 1 जुलाई तो क्यों दिंदे ने, हुणे क्यों नहीं अनाउंस करदे। अज 16 अप्रैल है, 17 तो क्यों नहीं करदे, 1 मई तो क्यों नहीं करदे, वाई 1 जुलाई। ये सब इन्हां दीआं गल्लां सीगीआं, ये जिहड़ीआं गरंटियां केजरीवाल साहब दीआं सी इहदी हवा निकल चुकी हुई है, लोगां दे विच हुण चर्चा दे विषय बने हुए ने सारे जिहड़े इन्हां दे काम ने। इन्हां दी एक्साइज पॉलिसी नहीं हाले तक बनी, ये कहिंदे सी असीं 20,000 करोड़ रुपया अपना माफिया दसदे सीगे शराब माफिया, साडी पॉलिसी इन्होंने 3 महीने भी एक्सटेंड करती, कांग्रेस जो कांग्रेस ने जो पॉलिसी बनाई थी एक्साइज की उही इन्होंने एक्सटेंड की हुई है, क्यों नहीं इन्होंने उहदे ते कोई काम किया। इसे तरह ही कहने थी रेत बजरी तो 30,000 करोड़ रुपया आऊगा, सानू तो हाले तक इहदा एक भी चीज नजर नहीं आ रही कि आम आदमी पार्टी इहदे ते की कर रही है। ये जिहड़ियां सारियां गल्लां ने ये बहुत इंपॉर्टेंट ने, पर मैं मुबारकबाद दूंगा जे कल तो अनाउंस करन भी 300 यूनिट असीं बिजली फ्री देंगे, क्यों ये मई ते अप्रैल ते मई दे बिल लैणगे। अच्छा वैद साहब, जिहड़ी दिल्ली दे विच अरविंद केजरीवाल होरां दी मीटिंग हुई सी पंजाब दे अधिकारियां दे नाल, उसका सीधे तौर पर भगवंत मान होरां द्वारा यही गल कहना है कि अज जवाब मिलेगा, तुहानूं लगदा है कि 300 यूनिट दे रूप दे विच जवाब दिता गया या फिर कोई होर भी वड्डा ऐलान कर सकदे ने मान साहब? जिहड़े इह ऐलान कर रहे ने मान साहब, जिन्हां कम्मां दे उत्ते इह सरकार बणी आ गरंटियां उहदे उस गरंटी दे उत्ते तां 1% भी नहीं अगे चल रहे। ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ੋਸ਼ਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਆਰਡੀਐਫ ਦਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦਾ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਕਿਹੜਾ ਆਰਡੀਐਫ ਦਾ ਪੈਸਾ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਖਾਸ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਕੋਈ ਖਾਸ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਆ ਜੋ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਕਿਓਰਮੈਂਟ ਦਾ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੁਛ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਗਾਮੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਡਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੇਖ ਲੈਣ, ਐਵੇਂ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਭੰਡੀ ਨਾ ਜਾਣ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਿਛਲੇ  10 ਸਾਲ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸਾਰਥਕ ਦੇਖ ਲੈਣ। ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਦਿੱਲੀ ਨਾਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਪਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਨੇ ਉਹ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗਿਆ ਜੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗਣਾ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਵਾਈਟ ਵਾਸ਼ ਕਰਾ ਕੇ, ਉੱਥੇ ਸੀਐਮ ਦੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਾ ਕੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦਿਖਾਵਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਾਂਦੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦਿਖਾਉਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੈਰਿਟ ਲਿਸਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 2 ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਕੂਲ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਸਕੂਲ ਕੋਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਭੰਡੀ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ 19,000 ਸਕੂਲ ਨੇ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਕੂਲ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? 1200। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਲਾਨਤ ਕੱਲ ਪੈ ਰਹੀ ਆ ਦੇ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾ ਰਹੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫੰਡ ਘੱਟ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਮੀਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।